हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा पांडे अपने चैनल किचन रेसिपी बाय रेखा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक विशेष अवसर पर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सन 2020 से कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी। हम सभी लोग घर में कैद थे। टाइम पास करने के लिए हम लोग घरों में गेम खेलते थे, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाते थे। और खाना बनाने का मुझे पहले से ही बहुत शौक था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक चैनल बनाया जाए। तो आज ही के दिन 10 जुलाई 2020 से मैंने किचन रेसिपी बाय रेखा की शुरुआत की थी। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए मानसिक और शारीरिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मुझे मेरे बच्चों से भरपूर सहयोग मिला। आज मेरे चैनल का 1 साल कंप्लीट हुआ है। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों एवं फ्रेंड्स और शुभचिंतकों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज मेरे चैनल के 2100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं एवं 80,000 वीडियोस के व्यूज हैं। आप सभी व्यूअर्स ने मुझे आत्मबल और हौसला दिया, उसके लिए मैं सभी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी। अपने चैनल पर मैंने प्रथम वीडियो वनीला केक का अपलोड किया था। अपने एवं व्यूअर्स की डिमांड पर मैं अब तक लगभग 100 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ये सब आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। आज मेरे चैनल का 1 साल पूरा हुआ है, तो मौका है सेलिब्रेशन का। तो आज मैं अपने वीडियोस के कुछ क्लिप एंड फोटोज दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। आज मैं आपको होली स्पेशल मावा खोया गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। आज हम आपको लच्छा पराठा बनाकर दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। आज मैं आपको हरी मटर कैसे गर्मियों के लिए प्रिजर्व करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। गाजर का हलवा है। हेलो एवरीवन, आज मैं रेखा पांडे आपको एंडलेस चॉकलेट केक बनाना दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, आज मैं रेखा पांडे आप लोगों को वनीला केक बनाकर दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे भटूरे बनाकर दिखाएंगे जिसमें ना तो सूजी होगी और ना ही दही होगी और बहुत झटपट तैयार होंगे। ना आपको उसमें रखने की जरूरत है, तुरंत झटपट आटा तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको भटूरे बनाने का तरीका बताते हैं। हेलो एवरीवन, किचन रेसिपी बाय रेखा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आजकल त्योहार आते जा रहे हैं, रक्षाबंधन आया है, अब जन्माष्टमी आने वाली है। तो कान्हा जी को क्या पसंद है? मक्खन, मिश्री, दूध से बनी चीजें पसंद है। तो क्यों ना उनके लिए आज मलाई के लड्डू बनाकर। Congratulations! Wow, I saw it.